नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मेरे वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारा जो यूएन होता है, अगर मान लीजिए उसमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपका गुम गया हो, आपके पास नहीं हो या फिर बंद हो गया हो, और आपका जो यूएन है उसका पासवर्ड भी आपको जो है वो अभी याद नहीं है, तो उस केस में जो है वो आपको पासवर्ड रिसेट कैसे करना है और आपका नया मोबाइल जो है वो यहाँ पे रजिस्टर कैसे करवाना है, तो इसके ऊपर जो है दोस्तों मैं आज आपको जो है वो बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है दोस्तों कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके पास जो देने वाले है वो होना चाहिए, और दूसरा बात जो है वो आपका यूएन जो है तो उसमें कुछ प्री डिफाइंड जो इन्फॉर्मेशन है वो सीड होनी चाहिए, जैसे कि आपका जो जेंडर है वो, डेट ऑफ बर्थ है वो, और आपका जो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो केवाईसी होना चाहिए, जैसे कि आधार या फिर पैन, दोनों में से कोई भी हुआ तो आप जो है वो आपका नया मोबाइल नंबर यहाँ पे जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं, और उसके बाद जो है वो आपका जो पासवर्ड है वो भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो प्रोसीजर है आज हम इसको ही सीखते हैं। यूएएन में हमें हमारा खोया हुआ मोबाइल नंबर और उसके बाद जो है वो हमारा पासवर्ड किस तरह से रजिस्टर करवाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यूएएन का ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसे ओपन करवा लेना है। तो इसका लिंक जो है दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप ओपन कर सकते हैं। वैसे हम सभी को पता है कि यूएनए का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है, तो चलिए अभी यहाँ पे हम लोग ये जो फॉरगॉट पासवर्ड का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो हमारा जो यूएन है वो एंटर करना है। यूएन एंटर करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो आपसे मिस ना हो सके। तो ये देखिए यहाँ पे जो मैंने जो यूएन नंबर था मेरा वो एंटर कर दिया है। उसके बाद ये जो सिक्योरिटी कोड रहता है तो उसे आपको जो है वो यहाँ पे देख कर जो है वो सेम टू सेम जो है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद जो है वो आपको सबमिट का जो बटन है उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप जो एक सबमिट का बटन है वो क्लिक करते हैं तो आपने जो मोबाइल नंबर पहले आपके यूएन के साथ रजिस्टर किया था जो कि अभी आपके पास नहीं है, तो उसके ऊपर जो है वो एक ओटीपी चला जाता है। तो यहाँ पे जो है वो डू यू विश टू सेंड ओटीपी ऑन अबाउ मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नो करना है क्योंकि आपके पास ये मोबाइल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे आपको जो है वो नो कर देना है। तो चलिए अभी ये जो नो का बटन है तो उस पर मैंने जो है वो क्लिक कर दिया है। तो ये देखिए ये जो नो का बटन है उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपको आपकी कुछ डिटेल जो है वो एंटर कर देनी है, जैसे कि आपके यूएन में जो आपका नाम है सेम टू सेम आपको यहाँ पे जो है वो एंटर कर देना है। अगर मान लीजिए आपको नेम याद नहीं है तो आपको यहाँ पे दो तीन बार अलग अलग आपके जो नेम के कॉम्बिनेशन बनते हैं वो यहाँ पे एंटर कर देने हैं। तो वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि ये जो मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो है वो इसे रिसेट करवाने के लिए हमें जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे यूएन के साथ जो है वो सीड होनी जरूरी है। तो उसमें से अभी डेट ऑफ बर्थ हो गई, उसके बाद यहाँ पे आपका जो जेंडर है वो हो गया, तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से जो है वो एंटर कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है वो एक वेरीफाई का बटन है तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये जो वेरीफाई का बटन है दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, और उसके बाद जो है मुझे एक यहाँ पे जो है वो वेरीफिकेशन का एक ऑप्शन आएगा जिसे मुझे सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैंने कहा था कि हमारा जो यूएन है उसके साथ एक जो कोई भी डॉक्यूमेंट है हमारा वो रजिस्टर होना चाहिए, जैसे कि एक तो आधार होना चाहिए या फिर पैन होना चाहिए। तो ये देखिए वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे जो है वो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक तो आधार आ जाता है या फिर आपका पैन आ जाता है। तो यहाँ पे मैं पैन कार्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अगर मान लीजिए आपका आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे पैन कार्ड जो है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया, अभी यहाँ पे जो है मैं पैन कार्ड जो है वो एंटर कर दूंगा, और उसके बाद जो है वो मैं नीचे जो है वो वेरीफाई का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए ये जो वेरीफाई का जो बटन है मैंने क्लिक कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे सामने एक मैसेज आ जाएगा अगर हमारा जो डिटेल है वो यहाँ पे अगर मैच हो जाता है। तो चलिए अभी ये जो मैसेज है वो आता है, तब तक हम अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद बेल का बटन आएगा उससे भी आप प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो मेरा जो मैंने पैन नंबर दिया था तो वो वेरीफाई हो गया है, इसका मतलब जो है वो मेरा पैन कार्ड जो है वो मेरे यूएन के साथ लिंक है। मान लीजिए आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है और उस केस में जो है वो आपका आधार लिंक है, तो उस केस में आप आधार का ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पे आधार का नंबर जो है वो एंटर करके आपको जो ये डिटेल है वो वेरीफाई करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि आपको जो नया मोबाइल नंबर आपके
यहाँ पे देना है तो वो आपके पास होना चाहिए और वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। तो चलिए अभी वो जो नया नंबर जो है वो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। उसके बाद जो है वो उस नए मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाता है। तो यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद जो है वो जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर किया है नया वाला, तो उस पे एक ओटीपी आ जाएगा। तो चलिए अभी यहाँ पे गेट ओटीपी पे जो है मैंने क्लिक कर लिया है, उसके बाद मेरे मोबाइल पे जो है वो एक ओटीपी आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो ओटीपी सेंड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है और मेरे मोबाइल पे जो है वो अभी एक ओटीपी भी आ जाएगा। तो ये जो 4 डिजिट का ओटीपी है हमें यहाँ पे जो है वो एंटर कर लेना है। तो ये देखिए मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी आ गया है, तो ये मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए ये ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद वेरीफाई का जो बटन है उस पर हमें क्लिक कर लेना है। एक्चुअली साइट थोड़ा स्लो है, इसकी वजह से ये जो प्रोसीजर है वो बहुत ही स्लो हो रहा है। तो आपके पास अगर नेट अच्छा है या फिर अगर साइट वर्किंग कंडीशन में अच्छी चल रही है तो ये जो प्रोसीजर है वो बहुत जल्दी जल्दी हो सकती है। फिर देखिए यहाँ पे ओटीपी जो है मैंने एंटर कर दिया है। उसके बाद वेरीफाई का जो टैब है वो भी क्लिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, आपका जो नया पासवर्ड है आपको जो भी रखना है तो वो आप जो है वो यहाँ से रिसेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ गाइडलाइन दी गई है ये जो पासवर्ड है उसे रिसेट करने के लिए, जैसे कि 1 मिनिमम कैरेक्टर 1 अल्फाबेट, 1 कैपिटल होना चाहिए, मिनिमम 7 कैरेक्टर होने चाहिए, ये सब होना चाहिए यहाँ पे। तो ये जो गाइडलाइन है आप यहाँ से ध्यान से पढ़ के जो है वो आपका जो नया पासवर्ड है वो सेट कर लीजिए। उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो हमें सबमिट का जो ऑप्शन है वो क्लिक कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है मैंने ये जो पासवर्ड है वो सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट का जो ऑप्शन है वो क्लिक कर दूंगा। तो मेरा जो पासवर्ड है यूएन में वो रीसेट हो जाएगा और रीसेट होने के बाद हमें फिर से जो है वो हमारे यूएन का जो लॉगिन पेज होता है यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो हमारा नया पासवर्ड जो है वो सेट कर लिया है उसे हमें एंटर करके जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो लॉगिन कर लेना है। तो चलिए अभी ये जो नया पासवर्ड मैंने सेट कर लिया उसको यहाँ पे डालकर जो है वो हम यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम हमारा मोबाइल जो है वो हो गया है तो नया मोबाइल यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपका मोबाइल नंबर जो है आपका पासवर्ड जो है वो भी आप भूल गए हैं तो वो भी आप जो है वो यहाँ से रीसेट करवा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो साइट स्लो होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे फिर से जो है मैंने लॉग साइन इन का जो ऑप्शन है वो कर लिया। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे यूएन में जो है वो इस तरह से लॉग इन हो जाता है, नया पासवर्ड हम रीसेट करवा सकते हैं और हमारा जो नया पास मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ से हम रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी ये जो जानकारी है वो मिल जाएंगी दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।